दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आने वाली 5 मई दिन शुक्रवार को एक आकाश में घटना घट रही है जिसे उपछाया ग्रहण बोला जाता है। यह ग्रहण तो है, इस बात को समझ लीजिए। इसको अगर हम आम जानकारी में समझना चाहें तो इसको चंद्र ग्रहण बोला जाएगा, लेकिन हकीकत में यह चंद्रमा पे पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं है। इस कारण से इसको उपछाया यानी कि चंद्रमा पे हल्का सा धुंधला सा असर आ जाना। लेकिन जिन भाइयों की और बहनों की जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा को ग्रहण लगा हुआ है, यानी कि चंद्रमा उनकी जन्म कुंडली में केतु के साथ है या शनिचर के साथ है या राहु के साथ है, साथ ही जन्म कुंडली के खाना नंबर 10, खाना नंबर 8, खाना नंबर 12 और खाना नंबर 6 में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है, तभी ऐसे लोगों को इस उपछाया यानी कि मामूली से चंद्र ग्रहण में उपाय जरूर कर लेना चाहिए। और दोस्तों एक और जरूरी बात, जिन जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा के ऊपर राहु की या केतु की या शनिचर की दृष्टि आ रही है, वो लोग भी ये उपाय जरूर कर लें। उपाय कैसे करना है इस बात को समझिए। 5 मई की रात को 8:44 पे यह उपछाया ग्रहण शुरू हो जाएगा जो कि चंद्रमा के ऊपर होगा, और इसका मध्यकाल होगा रात को 10:53 भारतीय समय अनुसार, और इस उपछाया ग्रहण का मोक्ष काल है रात को 1:02। तो मध्यकाल, मध्यकाल का मतलब है दोस्तों रात को 10:53 पे आपको उपाय करना है। आपके नजदीक जो भी नदी नहर है वहां पे कुछ सामान को जल प्रवाह करना है। सामान क्या होना चाहिए? 200 ग्राम काले तिल, 200 ग्राम सफेद तिल, 400 ग्राम बादाम साबुत यानी कि छिलके वाले हार्ड यानी कि गुरबंदी ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों 4 नारियल खड़कते हुए बिना पानी के सूखे वाले, ये सारा सामान एक पैकेट में रख लीजिए यानी कि थैली में या किसी थैले में, और सर से 7 बार उल्टा यानी कि एंटी क्लॉक उतारिए नदी पे जाके मध्यकाल में ही, और तेज बहते हुए शुद्ध जल में जल प्रवाह कर दीजिए। और दोस्तों बाद में कहीं कोई उसी समय सुविधा हो, कोई गरीब भिखारी, गरीब साधु महात्मा, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसको कुछ देके लाभ हो जाए तो उसको जरूर कुछ रुपया पैसा या कोई वस्तु जरूर दीजिए, नहीं तो अगले दिन सवेरे उठ के उस व्यक्ति को ऐसी वस्तुएं जरूर दीजिए जो आप दान करना चाहें, और संभव हो तो अपनी जन्म कुंडली के नीच के घरों से संबंधित वस्तु का उस व्यक्ति को दान करिएगा। और दोस्तों एक और सबसे बड़ी बात, इस उपछाया ग्रहण यानी कि मामूली से चंद्र ग्रहण का जो बनने का कारण है, इससे कोई भी जैसे सूतक पातक यानी कि मंदिर बंद कर देना वगैरह, ऐसा कोई नियम अप्लाई नहीं होगा। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में जैसे मैंने अभी 3 प्रकार बताए चंद्र ग्रहण के, अगर चंद्र ग्रहण है तो आपको 3 वस्तु बताई है, रात को 10:53 पे सर से 7 बार उतार के जल प्रवाह कर दीजिए। और दोस्तों 5 मई दिन शुक्रवार, ये ध्यान करिए। नमस्कार प्रणाम।